खबर क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ONI न्यूज इंडिया में। मैं हूं मुकेश पटेल और अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुलीचंद राउत अंधे कत्ल का हुआ बड़ा खुलासा, आरोपी घासीराम पुलिस गिरफ्त में। आज दिनांक 12 सितंबर को दुलीचंद राउत के अंधे कत्ल का खैरलांजी थाने में मीडिया के सामने खुलासा कर बताया कि खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवेगांव निवासी दुलीचंद राउत का विगत 9 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा कत्ल किया गया था, जिसका खुलासा करते हुए थाना खैरलांजी के थाना प्रभारी श्री रामबाबू चौधरी ने बताया कि इस अंधे कत्ल का आरोपी घासीराम बिरनवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि दुलीचंद राउत के अंधे कत्ल के बाद लगातार पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई एवं बारीकी से पूछताछ की गई, जिसमें शक की सुई घासीराम पर टिकी होने से कल दिनांक 11 सितंबर को करीब 4 बजे घासीराम को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया एवं कड़ी पूछताछ की गई तो घासीराम ने अपना गुनाह कबूल कर बताया कि मैं शराब के नशे में था, खेत में काम को लेकर हाथापाई हुई, जिसके चलते दुलीचंद का गला उसी के गमछे से रेंद कर, वही दुलीचंद का छोटा पुत्र मौजूद था, उसको भी मेरे द्वारा धमकी दी गई, अगर किसी को बताएगा तो तेरी भी वही हालत होगी जैसे तेरे बाप की हुई है। ONI न्यूज के लिए खैरलांजी से फिरोज डोगरे की रिपोर्ट। हुआ था बीच में आपका 9 तारीख को थाना क्षेत्र खैरलांजी के अंतर्गत नवेगांव में, क्या पूरा मामला है और क्यों उसने इस घटना को अंजाम दिया? ये 9 तारीख को रिपोर्ट हुई थी मर्ग की, ये मृतक दुलीचंद का लड़का प्रद्युम्न ने रिपोर्ट किया था 9 तारीख को रात को 9 बजे, मर्ग कायम करके और जांच में लिया गया था और 10 तारीख को उसका PM हुआ, पंचनामा हुआ था और उसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूछताछ की, तो पूछताछ में ये कहानी आई थी उसका जो छोटा लड़का है सुनील, तो 8 तारीख को सुनील और जो आरोपी है घासीराम और उसका लड़का कुणाल, ये लोग घासीराम के यहाँ पहले से काम करते हैं ये लोग, तो घासीराम के खेत में ये मोटर पंप चलाने के लिए गए थे वो धान में, तो उसका लड़का तो वापस लौट आया था लेकिन ये घासीराम और ये सुनील खेत पर ही थे, इनने पंप वगैरह चालू किया और धान में पानी दे रहे थे। फिर रात को 9 बजे क्या हुआ कि पानी चेक करने गया खेत की बंदी में, धान की बंदी में, तो वहाँ पे ये सुनील वो बंदी करीब 3-3.5 फीट गहरी थी मेड़ से, तो वहाँ ये गिर गया और फिर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, तो कुछ धान खराब हो गई थी धान की फसल, तो ये जो आरोपी है घासीराम ये गया और उसको फिर निकाला तो नहीं, इसको मारा उसको लड़के को, इतने में इसका पिता आ गया दुलीचंद, वो भी वहीं काम करता था, उसने बोला कि भाई तूने एक तो लड़के को बिना पूछ के ले आया मेरा और अब उसको तू मार पीट रहा है, इसी बात से वो नाराज हो गया घासीराम, घासीराम ने फिर लड़के को मारा और फिर इसको मारा ये दुलीचंद को, फिर ये दूसरी बंदी में गिर गया और फिर ये भागा गांव तरफ, तो इसने आगे एक तिजूलाल का खेत है वहाँ पड़याव है, तो वहाँ पे इसको पकड़ लिया और वहाँ पे उसके साथ मारपीट किया और उसके गले उसका रुमाल लेके और गले में फंसा के और दोनों हाथ से खींच के उसको मार दिया, ये उसके लड़के ने ये देखा भी है सुनील ने, उसको सुनील को इसने धमकी भी दी थी कि ये तू बताएगा तो तेरे बाप की जैसे तेरे को मार दूंगा, इसलिए उसने पहले नहीं बताया लेकिन बाद में फिर उसने बता दिया, तो आज कल आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे गमछा जिससे उसने गले में लपेट कर और हत्या की थी मृतक दुलीचंद की वो भी जब्त हुआ है, आरोपी ने जो जुर्म कबूल किया है और गमछा भी उसने रिकवर करवाया, छुपा के रख दिया था वही खेत में। यही तो बात थी या कुछ पुराना कुछ विवाद है? पुराना तो इनके बीच में कुछ भी नहीं क्योंकि ये उसी के 4-5 साल से काम कर रहे हैं, तो पुराना तो नहीं है, वो उसी दिन उसने धान की बात से जो धान खराब हो गई लड़का उसमें गिर गया उसी बात की रंजिश से उसके बाप ने मना किया कि क्यों मार रहा लड़के को, तो फिर वो उसको मारना चालू कर दिया, ये थोड़ा हैवी दुसाहसी टाइप का घासीराम।